हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट में नया फैंटेसी स्पोर्ट प्रीव्यू में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी टी वुमन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की, जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वुमन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमन के बीच में। तो इस मैच प्रीव्यू में हम देखने वाले हैं हिट ट्वीट रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेयर मैचअप, टॉप फैंटेसी टॉप कैप्टनशिप पिक प्लस पॉइंट पिक देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच ये संडे को होने वाला है, संडे को होना 6:30 बजे को। क्लाउडी वेदर है और न्यूजीलैंड केप टाउन में ये मैच होने वाला है, जहाँ पे अभी जो लास्ट मैच हुए थे वही होने वाला है। पिच की बात करो तो बैलेंस पिच है भाई, यहाँ पे बैट बॉल सबको मदद मिलने वाली है, यहाँ पे तो बैलेंस पिच है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 130 से 150 के आसपास हो जाता है और प्लस बाउंसी विकेट है और मीडियम फास्ट बॉलर को यहाँ पे ज़्यादा मदद मिलती है। और वेन्यू स्कोरिंग की बात करें, यहाँ पे T20 में 16 मैच हुए अभी हिट टू हिट। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, 16 मैच खेले उसमें से 9 मैच बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती है और 7 मैच यहाँ पे बॉल फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 145 के आसपास है, सेकेंड इनिंग 138 का आसपास है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे अभी बना था इंग्लैंड ने 213/5, उसके बाद पाकिस्तान के मैच में 95 हुआ था। लोएस्ट हाईएस्ट चेज यहाँ पे 192 का हुआ है। लोएस्ट डिपीट यहाँ पे 119/3 का हुआ है। और बॉलिंग के प्रश्न, बॉलिंग का रिकॉर्ड देखे यहाँ पे तो पेसर ने 17 मैचों में 91 विकेट लिया है, उसमें से बैट फर्स्ट फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे 44 विकेट है, सेकंड इनिंग में 47 विकेट है। तो पेसर को दोनों तरफ अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में। स्पिनर का थोड़ा अलग है, 87 विकेट है टोटल 17 मैचों में, फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट है और लास्ट सेकेंड इनिंग में 50 विकेट है। तो सेकेंड इनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं स्पिनर और पेसर दोनों। भाई हेड टू हेड टीमों की टीम की बात करें यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी तक साउथ अफ्रीका 6 बार खेली और 6 के 6 बार हारी है। अभी पिछले मैच में इंग्लैंड के सामने भी उनका रिकॉर्ड खराब था पर जीत गई थी भाई। ये भी मैच कुछ हल्का नहीं जाने वाला, टफ मैच होने वाला है, तो देखते हैं ये आंकड़े चेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे वेन्यू रिकॉर्ड और पिच वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड और फॉर्म देखने वाले प्लेयर का। मुनी ने 2 मैच खेले साउथ अफ्रीका के, 48 रन बनाए हैं फर्स्ट इनिंग में 28 और सेकंड इनिंग में 20। और वेन्यू पिच ने 54 बनाए 1 मैच में और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 54-20, 56-0-2। हेली का अभी रिसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 8-31 रन बनाए 4 मैच खेल के। वेन्यू पे 25 रन बनाए 1 मैच में और रिसेंट फॉर्म अच्छा है इसका, पर इसका स्ट्रगल भी वैसा ही है। तो अभी मिगलैंड की बात चलते हैं, हेड टू हेड में इसने 4 मैच खेला, 86 रन है, बैट फर्स्ट में 49 बनाया और एक 30 का एक अच्छा खासा स्कोर बनाया 4 मैचों में। वेन्यू पे इसने 49 बनाया और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है इसका, ये भी अच्छे फॉर्म में है अभी। उसके बाद पेरी की बात करें तो पेरी को बॉलिंग 1 से 2 ओवर करते हुए दिखेगी, बैटिंग को इसको भी कभी भी प्रमोट कर दिया जा सकता है, बोल ना सकते कौन से जगह पे प्रमोट करेंगे इसका भी कंफर्म नहीं है। तो थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है ये, पर बॉलिंग करेगी तो इम्पोर्टेंट है, पेरी इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाली है। उसके बाद गार्डनर भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। हेड टू हेड में 1 मैच खेला, 1 विकेट लिया, 28 रन निकाला इसने सेकेंड इनिंग में। वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट है और 30 रन बनाए, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है इसका। ग्रेस हैरिस का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड में 1 ही मैच में इसको खेलने आई थी पर 4 रन पे नॉट आउट होकर चली गई थी। रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं, अभी वर्ल्ड कप में 2 विकेट लिया इसने, बैट से कुछ अभी तक कुछ खास किया नहीं है, पर ये पॉइंट पिक रहेगी ग्रेस हैरिस, कभी भी चल सकती है भाई और टीम इसको कभी भी प्रमोट कर सकती है। वैसा ही सेम इसका तालिया मिगरत का भी है, ये 57 रन इसने इसी
वर्ल्ड कप में बनाया है, इसी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एक ही मैच खेला सेकंड इनिंग में, तो ये भी इम्पोर्टेंट रह सकती है। पर इसको उस मैच में प्रमोट कर दिया था इसलिए इसने 57 रन कर दिया था, पर अभी हर बार ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसके बाद जेसी जॉनस की बात करते हैं, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगी, डिफिकल्ट मैच एकदम डिफिकल्ट मैचों में ये अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगी। 3 मैच खेले, 2 विकेट लिए और 17 रन निकाले इसने, और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, हर मैच में एक एक विकेट लेके जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जेसन जॉनसन, क्योंकि डे टू में वो बॉलिंग करती है। उसके बाद जॉर्जिया वेरम भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, दो मैच खेले, 2 विकेट लिए हैं और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है इसका भी, प्लस बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। मेगा जूट की बात करें तो मेगा जूट ने अभी तक 3 मैच खेला है, 3 मैच में 3 विकेट लिया है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, और रिसेंट फॉर्म ठीक है, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म हर मैच में एक एक विकेट लिया है इसने, और सेकंड फर्स्ट मैच में 4 विकेट लिया था। डार्सी ब्राउन भी अच्छे फॉर्म में, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट लिया है, और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। तो बेंच प्लेयर की बात करें तो बेंच प्लेयर से मुझे नहीं लगता कोई खिलाएगी, सेम ही टीम के साथ जाएगी ऑस्ट्रेलिया, फिर भी यहाँ पे स्टैट दिए हैं तो ध्यान से देख लेना, इस ब्लॉक का मैं लिंक दे दूंगा। डे टू में बॉलिंग डालने वाली है डार्सी ब्राउन, मेगन शूट, गार्डनर और पेरी, डे टू स्टार्टिंग ओवर। डे टू में मेगन शूट, जेसन जॉनसन और गार्डनर डालेगी। अभी साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11 और हेड टू हेड और विनिंग रिकॉर्ड की बात करेंगे। ताजमहल ब्रिज ने एक ही मैच खेला है इस टीम के साथ, साथ में 55 रन बनाया है इसने, विनिंग पे 7 मैच खेले है, 174 रन बनाए हैं। फर्स्ट इनिंग में 12, 13, 68, 10, 10, 12, 15, रिसेंट फॉर्म अच्छा है इसका, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेगी ये भी, प्लस कैचिंग से भी पॉइंट देती है तो इम्पोर्टेंट रहने वाली। लॉरा वुडवर्ड 2 मैच खेला है, 60 रन बनाए हैं, फर्स्ट इनिंग में 90 किया है और सेकेंड इनिंग में 41 किया है, और 6 मैच खेल के इस इनिंग पे 253 रन बनाए हैं, 253 रन बनाए हैं, तो इस ग्राउंड पर अच्छा खासा खेलती है, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद मेरिजन कैप, ये भी वन डाउन आती है तो इम्पोर्टेंट रहेगी, प्लस अपने 4 ओवर पूरे करिए, तो इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। 4 मैचों में 3 विकेट है, इसके पास 1 मैच में विकेट लेस रही थी, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है इसका, मेन इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सोनिया लुइस बॉलिंग नहीं करती है, वन डाउन आती है तो इम्पोर्टेंट रहने वाले, इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, अगर ओवर डालती थी तो इम्पोर्टेंट रहती थी, पर अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लोरी टॉइन की बात करूँ तो 4 मैच खेले, 18 रन बनाया है, बैट फर्स्ट 3-1, 13-1, और वेन्यू का रिकॉर्ड, वेन्यू पे इसने 5 मैच खेले, 38 रन बनाया और 1 ही विकेट लिया है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है इसका, बॉलिंग उतना नहीं करती है पर मेन मैच है तो मे बी इसको प्रमोट भी कर दिया जा सकता है बैटिंग में, तो इम्पोर्टेंट रहती है, प्रमोट कर दिया जा सकता है। उसके बाद एनी वॉच पहले ओपन करती थी, अच्छा खेलती थी, 6 मैचों में 47 रन है इस वेन्यू पे, बैट फर्स्ट करते हुए 51 है, 16 है, सेकंड इन में 6 और 0 है, और रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, कुछ बड़ी पारी नहीं की, मैं 2 मैचों में खाली 5 में से 2 मैचों में से 33 प्लस 1 विकेट लिया है, 41 प्लस 2 विकेट लिया है, तो ये भी एक पन पिक के जरिए से जा सकते हैं। एनी बॉश ग्रेस हैरिस, तालिया मैकग्रा। उसके बाद नजर लिख रहा है कि इम्पोर्टेंट है कि 2 मैचों में 3 विकेट लिए, बैट फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट में 3 विकेट लिए, 1 मैच में 3 विकेट लिए, सेकंड में 0 है और 1 में विकेट लेस रही थी। वेन्यू पे 7 मैचों में 4 विकेट है और 50 रन है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, विकेट लेस रही है अभी 3 मैचों में, पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करती है तो इम्पोर्टेंट रहेगी और मेन ओवर डालती है। जापता गई बहुत लेट आती है तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकती है पर बैटिंग इसके चांसेस कम ही है। उसके बाद आया मुंगा खाका, 2 मैच खेल के 1 विकेट लिया है इसने, वेन्यू पे 7 मैचों में 11 विकेट है तो इम्पोर्टेंट रहेगी, अभी 4 विकेट लिए थे ना इसने लास्ट मैच में तो इम्पोर्टेंट हो गई, 5 विकेट लिए थे सॉरी 4 मैचों में 5 विकेट लिया है इसने अभी फिलहाल,
फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में 3 मैचों में 6 विकेट हैं, और 2 मैचों में विकेट लेस रहे थे। रिसेंट फॉर्म 4 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो ठीक ठाक फॉर्म है खाका का। मलाबा ने 2 मैच खेल के 2 विकेट है इसके। रिसेंट वेन्यू पे 6 मैचों में 2 विकेट है, तो उतना कुछ खास किया नहीं वेन्यू पे अभी तक। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। अगर सेकंड इनिंग में इम्पोर्टेंट हो सकती है, अगर साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है, तो शबनम इस्माइल 6 मैचों में 9 विकेट 8 टू 8 में, 3 मैचों में 6 विकेट लिया इसने, और सेकंड इनिंग में 3 मैचों में 3 विकेट है, 2 मैचों में विकेट लेस रही थी। वेन्यू पे 11 मैचों में 12 विकेट है। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है इसका, 3-1-0-1-1-0। फर्स्ट इनिंग में 7 मैचों में 5 विकेट है, सेकंड इनिंग में 4 मैचों में इसके 7 विकेट है। और बेंच पे हम कलास मसाबत्ता क्लास है, इसको शायद ही खिलाएंगे, और डेलमी टकर इसको भी चांसेस कम है, गुडाल को भी चांसेस कम है, इसके भी यहाँ पे मैंने दिए हैं। अभी सीधा सीधा प्लेयर स्टार्टिंग ओवर डालने वाली है, सबने इस्माइल, मेरिजन कैप, आयमोगा काका और मलावा। डेट ओवर में कैप इस्माइल, काका और नदली क्लार्क रहेगी, तो इम्पोर्टेंट रहेगी नदल क्लार्क डेट ओवर में बॉलिंग करती है। तो अभी साउथ अफ्रीका के प्लेयर मैचअप की तरफ चलते हुए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने का अपने को, तो वीडियो ये सब ये स्टैट देख लेना ब्लॉग पे आके, तो और चेक कर लेना। अभी थी सब बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ताजमीन ब्रिड एक ही बार हुई है, जॉर्जिया वीरम का एक ही बार आउट हुई है, बाकी किसी को ज़्यादा फेस नहीं किया, किसी ने आउट भी नहीं किया इसको ताजमीन ब्रिज को। लोरा वुड को गार्डनर ने एक बार आउट किया है, 58 बॉल 60 रन। उसके बाद पीरी ने 50 बॉल 64 रन और 2 बार आउट किया है, दोनों बार इसने फर्स्ट इनिंग में आउट किया। सुदरलैंड ने 53 रन और 2 बार आउट किया। उसके किंग बैट ने भी 1 बार आउट किया है, और स्ट्रगल दिख रहा है, ज़्यादा कोई धोया भी है नहीं, स्ट्रगल दिख रहा है थोड़ा बहुत इसका। मेरी जान के अब दासी बॉल ने 1 बार आउट किया, जैसे उन्होंने 3 बार आउट किया है, 67 बॉल 17 रन, और तीनों टाइम इसने फर्स्ट इनिंग में आउट किया। उसके बाद मेघन चोट ने 1 बार आउट किया, गार्डनर ने 1 बार आउट किया, तालिया मेघरत ने 1 बार आउट किया, पेरी ने इम्पोर्टेंट, पेरी जैसा जॉनसन और मेघन चोट इम्पोर्टेंट रहने वाली भाई। उसके बाद सोनिया लुइस, गार्डनर ने 1 बार आउट किया, शूट ने 2 बार आउट किया, पीरिन 2 बार आउट किया है, और गार्डनर ने किम गार्ड ने 1 बार आउट किया, तो ये देख लेना भाई। उसके बाद जॉर्जिया वीरम ने क्लोरी टॉन का भी, इसका भी मैच अब खतरनाक है भाई। जॉर्जिया वीरम ने 1 बॉल 3 रन 1 बार आउट किया। उसको जैसा जॉनसन ने 41 बॉल 36 रन 4 बार आउट किया, 14 रन के सेकंड इनिंग में किया 3 बार आउट। एनाला किंग ने 1 बार आउट किया है। उसके बाद मेगन शॉट ने भी आउट किया, और स्ट्रगल भी दिख रहा है इसका। गार्डनर के सामने भी स्ट्रगल है, पेरी के सामने भी स्ट्रगल है, किम गर्ल के सामने भी स्ट्रगल है, तो चोली ट्रायन पे आप ले सकते हो, और बॉलिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट करा सकते कभी कभी। तो अगर सेकंड इनिंग में बैट कर दिए साउथ अफ्रीका, बॉलिंग कर दिए साउथ अफ्रीका, तो इम्पोर्टेंट रहेगी। अन्य वॉच का कोई नहीं, एलन किंग ने एक ही बार किया, ज़्यादा मैच अब नहीं इसका। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का देख लो, एलिस हेरी के बाद काका ने 2 बार आउट किया है, सोनिया लूज ने 1 बार आउट किया, और 4 बार शबनम इस्माइल ने आउट किया, 50 बॉल 47 रन। और काका और दोनों के सामने इसका स्ट्रगल दिख रहा है, 10 बॉल 15 रन 52 बॉल 47 रन, तो एलिस हेरी भी चांस ले सकते हो। उसके बाद मोनी कैप ने 4 बार आउट किया है, 107 बॉल 128 रन किया है इसने, कैप के बारे में 4 बार आउट किया है, 4 3 टाइम इन सेकंड इनिंग में किया है। उसके बाद काका ने 2 बार आउट किया, काका के सामने भी स्ट्रगल दिख रहा है मोनी का, 27 बॉल 31 रन, और बहुत टाइम इनसे फर्स्ट इनिंग, तो ये भी ध्यान रखना भाई। क्लोरी रॉयन को भी आउट किया 1 बार, क्लोरी टाइन ने भी आउट किया 1 बार, नजर क्लार्क ने भी 1 बार आउट किया, शबनम इस्माइल ने भी आउट किया, और इसके भी सामने स्ट्रगल दिख रहा है मोनी का, तो दोनों ओपनर का स्ट्रगल है भाई। कोई भी चल सकती है, अच्छा खेलेगी तो मेन मैच है, सब जन अच्छा ही खेलेंगे,
मैगलन इनका मलबा ने एक बार आउट किया है, 6 बार 9 रन, 1 बार आउट किया है। मिडिलटन का आपने 101 बॉल 136 रन, 4 बार आउट किया है। तो इसका पिछला बॉल है सोनिया लूस ने भी 1 बार आउट किया है, इसको त्रायन ने भी 1 बार आउट किया, शब ने इसमें ले 2 बार आउट किया मैली पे मैगलन इनको। उसके बाद गार्डनर, सोनिया लूस ने 1 बार एक एक ही बार आउट ही, तो गार्डनर का ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, एक एक ही बार आउट ही सबसे। उसके बाद पेरी, पेरी की बात करें तो क्या आपने 2 बार आउट किया, 57 बॉल 36 रन, और 2 टाइम या सेकेंड इनिंग में आउट किया। सोनिया लूस ने 50 85 बॉल 68 रन, 1 बार 1 बार आउट किया है। उसके बाद इस्माइल ने 47 बॉल 46 रन, 2 बार आउट किया है, बहुत टाइम इन फर्स्ट इनिंग। ग्रेस हैरिस का कैप ने 3 बार आउट किया है, ग्रेस हैरिस को, ग्रेस हैरिस के सामने देखो टाइम ऑल टाइम 3 ने सेकेंड इनिंग में आउट किया है 3 बार। उसके बाद सोनिया लूस ने भी 1 बार आउट किया, शब ने इस्माइल ने भी 1 बार आउट किया है। उसके बाद अभी तालिया वगैरह का देखते हैं, तालिया वगैरह का भी थोड़ा मैचअप है, पर लास्ट मैच लास्ट टाइम इनका मैच हुआ था तो 57 बनाया था तालिया वगैरह ने, बाकी सब आउट हो गए थे जल्दी। मसा क्लास ने 1 बार आउट किया था, मेरिजन कैप ने 3 बार आउट किया था, स्टावेल कैप के सामने फर्स्ट इनिंग में आउट किया था। उसके बाद कोरी टॉन ने भी 1 बार आउट किया था, नदली क्लार्क ने भी 1 बार आउट किया, शब ने इस्माइल ने भी 1 बार आउट किया है। कॉमन कैप वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे मेरिजन कैप एशली गार्डनर रहने वाली है, डीप रन जाना चाहते हो तो मूनी लैंग ने मैगलैनिंग शूट हेली पेरी और नेदरली क्लार्क क्लोरी ट्रॉयन। डेमो टीम ऐसा बनाया मैंने, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस होने चाहिए, बड़ा मैच है तो सब जन अच्छा ही खेलेंगे इस मैच में, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, रिस्क लूँगा 5 6 टीम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 टीम लगाओ, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो इस मैच में, क्योंकि ग्रेस हैरिस हो गई, ग्रेस हैरिस पेरी हो गई और तालिया मिगरत हो गई, कभी भी इनको प्रमोट कर दिया जा सकते तो थोड़े से वजह से मिक्स मिस हो जाएगी ग्रैंड लीग, तो इसके वजह से ज़्यादा रिस्क मत लो। 5 6 6 कॉम्बिनेशन के साथ जाओ बस। नदल क्लैक को ट्राई किया यहाँ पे और शब ने इस्माइल को किया है, क्योंकि डे टू में भी बॉलिंग करते हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगी। क्लोरी टायन अभी का स्ट्रगल देखा है मैंने अभी हिट मैचअप में, इसकी वजह से हमने इस्माइल के साथ गया हुआ, और दोनों अच्छे फॉर्म में, अभी लास्ट मैच में अच्छा नहीं खेल रहे थे, स्टार्टिंग में 4 3 4 ओवर अच्छा नहीं खेले थे, इसके बाद अच्छा पिकअप किया था, इसलिए वो को ट्राई किया है मैंने, और खाली हेली पे चांस लिया है मैंने। तो बाकी मिलते हैं भाई मैच के टाइम, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे सब अपडेट मिल जाएगा आपको, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।